तो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल अरविंद टेक्स सॉल्यूशन में। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप काइन मास्टर से 3D टेक्स इफेक्ट कैसे लगा सकते हैं। अभी फायर वाला आप देखते होंगे इंट्रो में, जो KGF फिल्म लगाया गया है उसी तरह आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप कैसे बना सकते हैं तो वीडियो को एंड तक देखते रहे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप उस 3D टेक्स को बनाना पड़ेगा जो आपको काइन मास्टर में बनाना संभव नहीं है। तो दोस्तों, इसके लिए आप पिक्सल लैब का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं पिक्सल लैब ओपन करके अपना जो टेक्स बना लेता हूँ। तो दोस्तों, चलिए मैं ओपन करता हूँ। तो इसको कट करके मैं पिक्सल लैब में चला जाता हूँ। यहाँ से पिक्सल लैब ओपन करने के बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है, एंड आपको यहाँ से साइज सेलेक्ट कर लेना है। तो साइज सेलेक्ट करने के लिए यहाँ से इमेजेस साइज ले लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं जो भी टेक्स्ट का 3D बनाना चाहता हूँ यहाँ से टाइप कर देता हूँ। यहाँ से टाइप करने के बाद सभी मैं बोल्ड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से तो देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा इस प्रकार हो गया, टेक्स्ट आ गया। तो दोस्तों, यहाँ से मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा इफेक्ट लगा देता हूँ। उसके बाद आपको इसको 3D बनाना है। तो दोस्तों, यहाँ से पहले इसमें कलर भर देता हूँ। तो कलर में मैं टेक्सचर कलर भरना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं ऑलरेडी यहाँ से इसको टेक्सचर कलर दे देता हूँ यहाँ से ओके। उसके बाद इसमें मैं थोड़ा स्ट्रोक डाल देता हूँ यहाँ से, तो वाइट स्ट्रोक डाल देता हूँ जो काफ़ी अच्छा लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से मैं 3D टेक्स अप्लाई करूँगा। तो दोस्तों, जैसे मैं 3D टेक्स अप्लाई किया, तो दोस्तों मेरा देख सकते हैं यहाँ पर 3D टेक्स अप्लाई हो चुका है। और यहाँ से जो इसका वाइट है इसको ऑफ कर देना है, यहाँ से एक्सट्रूड और स्ट्रोक इसको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद आपको सही वाले ऑप्शन को प्रेस करना है, एंड उसके बाद थोड़ा स्ट्रोक को भी मैं कम कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आपको इस पर जाना है। इस पर जाने के बाद आपको इसकी बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर लेना है, जो कि आप कहीं भी इसे स्टिकर की तरह लगा भी सकते हैं। दोस्तों देखिए, मैं यहाँ से इसको सेव एज इमेजेस पर टाइप करके इमेज सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद देखिए, मैं इसको ग्रीन स्क्रीन में बनाऊंगा। दोस्तों सिंपली आप इसे ग्रीन में बना लीजिए जैसे ही तैसे, बस इसका थोड़ा कलर आपको चेंज करना है। तो देखिए, मैं चलता हूँ और यहाँ से इसका कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ से मैं ग्रीन कलर पर टाइप करके ओके कर देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरा कलर ग्रीन हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ से इसे डिलीट करूँगा तभी मेरा ग्रीन हो गया। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ग्रीन हो चुका है। यहाँ से इसे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपको डायरेक्टली काइन मास्टर को ओपन करना है। दोस्तों, मेरा देखिए सेव हो चुका है, तो मैं काइन मास्टर को ओपन करता हूँ। काइन मास्टर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ से क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट चुन लेना है। 16:9 का रेशियो ले लेना है। यहाँ पर लेने के बाद आपको यहाँ से बैकग्राउंड ब्लैक ले लेना है अपने अनुसार। जितना सेकंड का बनाना चाहते हैं उतना सेकंड कर लीजिए, एंड उसके बाद यहाँ से लेयर कैप्शन पर टाइप कीजिए। यहाँ से जो आपने पिक्चर को बनाया था, सिलेक्ट किया था, उसको यहाँ पर टाइप कीजिए। अपने अनुसार बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैं 4-5 के लगभग सेकेंड का करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ से मैं 4-5 सेकेंड कर दिया। उसके बाद यहाँ से आप जूम भी कर सकते हैं, और यहाँ से मुझे एमिनेशन डालना है। तो यहाँ पर मैं एमिनेशन डाल देता हूँ। यहाँ से मैं इसी एमिनेशन को रहने देता हूँ। उसके बाद पुनः इसे एक्सपोर्ट करता हूँ। एक्सपोर्ट होने के बाद एक्सपोर्ट कंप्लीट होने के बाद अब इसको कट करना है। पुनः इसको यहाँ से इस इमेजेस को डिलीट करना है। यहाँ से लेयर पर जाना है, और लेयर पर मीडिया पर जाने के बाद अब एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप इसे सिलेक्ट करते हैं, तो आप इसे अपने अनुसार यहाँ से स्प्लिट पर जाकर इसे जूम कर लीजिए। जूम करने के बाद आपको एक पिक्चर लेना है जो फायर का होगा, या फिर आप वीडियो भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं देखिए यहाँ पर वीडियो लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने वीडियो ले लिया है। तो दोस्तों, यहाँ से मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो है इतना है। उसके बाद मैं इस फोटो को भी बढ़ा देता हूँ, नहीं तो आप इसे कट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सिंपली इसे कट कर देता हूँ। कट करने के बाद आपको जो वीडियो लेयर लिया था उस पर टैप करके आपको क्रोमा की में जाना है। क्रोमा की में जाने के बाद इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद देखिए, मेरा जो इफेक्ट वाला है, जो वीडियो फुटेज है, वो इसके ऊपर आ रहा है, तो इसे नीचे भेजना है। तो इस पर टैप करके यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करके सेंड टू बैक कर देना है। जैसे बैक करेंगे, यहाँ से आपको जूम कर लेना है। दोस्तों, आप देख सकते हैं, जूम करने के बाद आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसे चला
चलाकर देख लीजिए। जैसे आप इसे चलाएंगे तो दोस्तों इस प्रकार आ रहा है, तो दोस्तों आपको सिंपली यहाँ एमिनेशन लगाना पड़ेगा। जैसे आप एमिनेशन लगाएंगे तभी काम चलने वाला है। दोस्तों सिंपली देखिए मैं यहाँ से एमिनेशन लगाता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको यहाँ पर ले जाता हूँ। ले जाने के बाद आपको यहाँ से एमिनेशन वाले ऑप्शन पर टाइप करना है, यहाँ से प्लस वाले आइकन पर टाइप करना है और इसको यहाँ पर ले जाना है। थोड़ा ऐसे जूम करके स्क्रॉल करके आगे लेते जाना है। तो जैसे आगे लेते जाएंगे आपका थोड़ा जो इफेक्ट है जो अपने इंट्रो बना रहा है तो वो काफ़ी आकर्षक दिखेगा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर दिख रहा है, तो दोस्तों मैं चला कर दिखा देता हूँ। उसके बाद जो आपने इमेजेस सेव किया था यहाँ से ले लेना है। तो देखिए मैं यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ, उसके बाद इसको मैं यहाँ से ले लिया। तो दोस्तों इसको अपने अनुसार जितना आप बड़ा साइज रखें उतना ही इसको रखना है। उसके बाद आपको इसको भी यहीं पर एनिमेशन में फिट करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं थोड़ा छोटा है, तो इसको मैं अपने अनुसार बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा। यहाँ पर देखिए मेरा यहाँ पर हो चुका है। तो दोस्तों मैं इस पर टैप करता हूँ और टैप करने के बाद सिंपली मैं इसको यहाँ से एमिनेशन वाले ऑप्शन पर इसको एमिनेशन वाले ऑप्शन पर टैप करके इसमें भी एमिनेशन लगा देता हूँ। तो इसको यहाँ ले जाना है। यहाँ ले जाने के बाद आपको थोड़ा इसको हल्का खींचना है। खींचने के बाद इसको इसी लाइन पर आने देना है जिस लाइन पर आपका टेक्स्ट है। तो दोस्तों इतना करने के बाद आपको थोड़ा आगे करते जाना है, उसके बाद आगे करते जाना है, इसी तरह करके आपको आगे जाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इतना पर फिट करके ओके कर देना है। तो जैसे आप ओके करते हैं इसको थोड़ा आपको बढ़ा देना है। तो दोस्तों जैसे इसे इतना पर बढ़ा देंगे एंड उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट लेयर है उसे भी थोड़ा बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद आप इसे अब चला कर देख सकते हैं बहुत आसानी से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा जो इंट्रो है यहाँ पर ऊपर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको थोड़ा बैक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ से सेंड टू बैक, सेंड टू बैक यहाँ पर दो बार प्रेस करना है क्योंकि मेरा दो लेयर के नीचे है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा कितना अच्छा और बढ़िया इंट्रो तैयार हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार आप इंट्रो बना सकते हैं काइन मास्टर से बहुत आसानी से। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।